राष्ट्रीय राजपूत सेना का अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मार के हत्या, एक गनमैन के भी लगी गोली। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मार के हत्या कर दी गई। आज राजधानी जयपुर में यह घटनाक्रम हुई। बिगमान वह बहुत ही गंभीर घायल होगा। सुखदेव सिंह के श्याम नगर में गोली मारी गई। बन मेट्रो मास हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जिसे बन इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। थान बता दें कि गोगामेड़ी के श्याम नगर इलाका में बाकी घर में घुस के गोली मारी गई। बी के बाद में बन मेट्रो मास हॉस्पिटल में ले जाया गया, बैठे बन मृत घोषित कर दिया गया। सुखदेव सिंह पर फायरिंग की सूचना मिलते ही समूचो पुलिस प्रशासन है वो हड़कंप माच गो। स्थानीय पुलिस के अलावा आला अधिकारी मौके पर तैनात थी और इलाका में पुलिस को भारी जाप्तो तैनात कर दियो गयो है। सुखदेव सिंह पर 4 गोली मारी गई। गोली कठे कठे लागी भी को अभी खुलासो कुने हो पाए है। गोली बांके श्याम नगर स्थित आवास पर मारी गई। यही गोली कांड के बाद में मेट्रो मास हॉस्पिटल में अभी बहुत बड़ी संख्या के मन लोग एकत्रित हो चुके हैं। हालात ने संभालने के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है, लेकिन वर्तमान समय में बाकी 4 गोली लागण की सूचना मिल रही है। थान बतावा कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी लंबा समय हूँ राष्ट्रीय करनी सेना जुड़ेड़ा ही। वह करनी सेना संगठन में काफ़ी समय पहले हुआ विवाद के बाद में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नामों अलग संगठन बना लियो हो। गोगामेड़ी बी का अध्यक्ष था। वह फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंद पाल इनकाउंटर केस के बाद में राजस्थान में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद में खास चर्चा में रहा। वर्तमान में जयपुर पुलिस हाई अलर्ट पर है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के गोली लगने के बाद में पूरा प्रदेश में यह खबर है आग की तरफ फैल गई। हालात ने देखता हुआ जयपुर शहर में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। बड़ी पूरा प्रदेश के अन्य इलाका में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। हमलावर कौन हा कठा आया बाकी अभी तक पहचान को नहीं हो पाई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में भागदौड़ कर रही है। बैठे ही प्रशासन हालात पर नज़र बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि गोगामेड़ी पिछले काफी समय सुरक्षा की मांग भी कर रहा। चूरू जिले के रतनगढ़ के मालासर में आनंद पाल का फर्जी इनकाउंटर हुआ था, उसकी सीबीआई जांच की मांग की थी, पर स्थानीय अधिकारियों और यहां की बीजेपी गवर्नमेंट ने सांवराद में आंदोलन के मुकदमे थे उनको भी ऐड करके सीबीआई में भेज दिया। जबकि समझौता पत्र है उसके अंदर पूर्ण रूप से लिखा पड़ी हुई थी, उसमें बीजेपी के गृह मंत्री राजस्थान और अब विपक्ष के नेता हैं उन सब के साइन हैं, और उन्होंने कहा था दवेस्तापूर्ण कार्रवाई हम नहीं करेंगे, उन राजपूत समाज के प्रति दवेस्तापूर्वक कार्रवाई नहीं होने देंगे। पर मैं आपको बता दूं, अब चुनाव आते ही गुपचुप रूप से अब केंद्र के अंदर बीजेपी है। अब कोई कह देगा कांग्रेस को फायदा देने के लिए आप लोग कर रहे हो, चलो मैं तो कांग्रेस को फायदा देने के लिए कर रहा हूं। इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि मुलजिम राजस्थान के नई भारत के टॉप जो राजपूत संगठन है वो सब इस मुकदमे के अंदर मुलजिम बना दिए गए हैं।